पढ़ती रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयतुल कुर्सी लौला इलाहा इल्लल्लाहुल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सीयुहु समावाति व ल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। शाबाश। चलो अब नेक्स्ट बुक कौन सी है? मैथ का क्या पढ़ रहे हैं? ओ एनी वन आता है ना, ओ एनी वन टी डब्ल्यू टू। हाँ चलो सुना ऊँची बात। ओ एनी वन टी डब्ल्यू टू टी एच आर ओ थ्री एफ ओ आर फोर एफ आर वी ई फाइव एक्स आई एक्स सिक्स एस सी वी एन सेवन एच जी एच टी एट एन आई एन ई नाइन टी ई एन टेन। आपकी आवाज़ ही नहीं आती, इतनी आहिस्ता पढ़ती हो। ये वाले करवाए हैं फर्स्ट? नहीं सेकंड क्वेश्चन करवा रहे हैं आजकल, है ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड टेन हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये करवाया हाँ, ये आते नहीं, ये नहीं करवाया, ये तो आप ही ने फिल किए हैं। ये मैंने फिल किए हैं। आपने किए? हाँ। तो फिर वो काउंट करके बताओ मुझे, फोर और थ्री कितने हुए? फोर और थ्री सेवन। और सेवन और फाइव कितने हुए? 12। हाँ। और 11 और 6 कितने हुए? 17। 2 और 3 2 और 13 कितने हुए? 15। सही है। और 10 और 6 कितने हुए? 16। ठीक है। और 10 और 9 कितने हुए? 19। शाबाश। आता है ना अब इसका, तो आता है मैथ का आ जाता है। और वो क्या नाम है अब इस्लामियत? इस्लामियत का बिल्कुल भी नहीं, वो ही ना था ना सुना दो। चल मुझे ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़ के ऊंची आवाज से सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर वसल्ली रब्बिका वन्हर वसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना अशानियका हुवल अब्तर। और कुलू बल्ला आती है? हां एंड वाले में ना वाओ भी आता है, वो आप छोड़ जाती हो। और क्या ये कौन सा पढ़ रहे हैं? ये ये डेट लगी दिख रही है? हाँ पीछे वाला ही होता है। आपको पता है? नहीं ना मिला आगे? मुझे एक ही मिला है, बस छोटा सा सवाल मिला है। ये छोटा सा। हाँ जी चलो मुझे सुनाओ, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा। हाँ मक्का मुकर्रमा में। और आपको पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम वालिद और वालदा का नाम? हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना। हाँ बैठो। और ये क्या है, आपने हमें कौन कौन सी बातें बताई? ये वाली बातें बताई, ये उस दिन याद कर रही थी, ये सारी बातें ना आपने हमें कौन सी बातें बताई? ये वाली बातें बताई। पढ़ो अल्लाह ताला को एक मानो, यहाँ से पढ़ो। अल्लाह ताला को एक मानो, हमेशा सच बोलो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों का ख्याल रखो, दूसरों के काम आओ। अच्छा ये सारा पढ़ के सुनाओ। क्या ये आखिरी सूर? हाँ यहाँ से यहाँ तक। हाँ पढ़ो यहाँ तक सुनाती हूँ ऊँची बात से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। मक्का में पैदा हुए शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत आमना है, और उनकी वालिदा का नाम हज़रत आमना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने हमें नेकी और सब को हमें नहीं सबको सबको नेकी और खैर की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बातें सिखाई, अल्लाह ताला को एक मानो, हमेशा सच बोलो, बड़ों की इज्जत करो, छोटे का ख्याल रखो, दूसरों के काम आओ। हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बातों पे अमल करते हैं, इससे अल्लाह ताला हमसे राज़ी होते हैं। हमसे नहीं है अल्लाह ताला राज़ी होते हैं होता है राज़ी होता है। और इस्लामियात का तो नहीं मिलता ना? नहीं मिलता। हाँ, अब जनरल नॉलेज का तो नहीं, जनरल नॉलेज का बिल्कुल भी नहीं मिला है ना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है। अबू के अबू ये वाला चलो पढ़ो। अबू के अबू कौन होते हैं? दादा। हाँ, वो तो उधर उंगली रखो, फिर उधर जिधर को लाइन जाती है। अबू के अबू दादा। हाँ, और आगे क्या लिखा है? अबू की अम्मी दादी। हाँ जी, और नहीं मैंने पढ़ना है, अबू की बहन जोड़ करके पढ़ो। अबू की बहन ताया। नहीं देखो तो लाइन किधर को गई है, तीसरी। अबू की बहन यहाँ है, ऊपर ऊपर तीसरी लाइन यहाँ। हाँ, अबू की बहन। हाँ, ये देखो ताई। नहीं, ये वाला अबू की जो पापा की बहन होती है वो कौन होती है? फूफो होती है ना। ये देखो फूफी लिखा हुआ है, फूफी। और अबू के बड़े भाई मामू। अबू के बड़े भाई वो क्या? आप उंगली नहीं रखती तो पता नहीं चलता कौन सा सबक है। अबू के बड़े भाई। हाँ, ये रखो ये देखो अबू के बड़े भाई, इधर को लाइन गई है ना, ऐसे देखा करो। ये क्या है? ताया। हाँ, और अबू के छोटे भाई चाचा। अम्मी की अम्मी मामी। अम्मी की अम्मी नानी। अम्मी के अबू दादा। नहीं, अम्मी के अबू। अम्मी के अबू नाना। अम्मी की बहन खाला। अम्मी के भाई मामू। सही है। और अब मेरे दादा का नाम, ये सारे आपने, ये कल को मिलेगा, ये वाले भी याद करने हैं, आज लिखने हैं, आज लिखने हैं ना, कल को याद करने। हाँ। अब मुझे ये तो यहाँ से सुनाओ, ये सारे आते हैं आपको? हाँ। ये मुझे यहाँ से आते जाते थे, ये सारा और वो जो हम पीछे से पढ़ते होते हैं ना, जोड़ तोड़ में ना, वो भी सुनाओ मुझे आज, जोड़ तोड़ में। ये पीछे से अलिफ से पीछे से। हाँ, ये लो अलिफ अनार। अलिफ मदा आम। आलू है, जो सही सही देख के बोलो। अलिफ मदा आलू। बे बटन तितली। जाओ किताबें लेके आओ, पढ़ते हैं। टेर टरक से समय। ये नहीं पता तवा है, ये टे तवा। हाँ, ट्रक हो गया आगे। ट्रक। सात किताबें लेके आओ आप भी पढ़। से समर जीन जहाज लेके आओ। जीन जहाज। चेचपाती। चेचपाती। हे हलवाई। हे खरबूजा। दाल डबल रोटी। दाल जखीरा। रे रबड़। जे पहाड़। याद करोगे तो। जे जुबान। ये याला बारी। सीन सड़क। शीन शक्करबंदी। स्वा साबुन। ज़ईफ़। ये क्या है? तिश्तरी। तो तिस्त्री। जोए जवत। जरूफ। जोए जरूफ।
गाइन गुब्बारा फे फ्राक काफ कलम गाफ कबूतर गाफ गाजर लाम लकाबंदी नी मटर नून नमक वाव वर्का हे हिरन हमजा चाय छोटिए यक्का यक्का छोटिए क्या ते ताले ताले ज्यादा ताले है ना इसलिए लाम बढ़िए ले और ये बढ़िए लगाने के लिए आया भे भे भालू भे फलियां हे फलियां थे थाली थे थे ठोकरी थे थैला थे थैला जे झंडा छे छे छड़ी छे छड़ी छे छड़ी दाल दाल धनक दाल धनक दाल दाल ढोल रे 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 सराना अरे अरे ये क्या जरूर नहीं रे से रे इस बाबे की ये वाली क्या है दाढ़ी हाँ रे दाढ़ी हाँ ख खजूर घ घड़ाई घड़ा घ घड़ा लाम लाम चूल्हा चूल्हा लाम चूल्हा मीम 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 मदार कुम्हार तीन कुम्हार नू नन्ना नन्ना मुन्ना जोड़ तो उसमें नहीं आ जाएंगे जब जोड़ करके पड़ेगी ना फिर आ जाते वो कौन सा पहला सबक था वो हमद वाला हमद ये हमद हमद पहले हमद सुनाओ अभी नाथ सुनाओ हमद क्या है ये आ जो जोड़ कर सब का को सब को बनाया सब को बनाया मेरे खुदा ने हर एक जाने हर एक माँ ने आम और आड़ू सेब और सजदे सर दे सर दे अंगूर अंगूर केले फल मीठे मीठे सब को बनाया मेरे खुदा ने हर एक जाने हर एक माँ ने हुआ हवा हवा और बादल चांद और तारे बारिश का पानी और के फल फूल सारे बनाया मेरे सबको बनाया मेरे खुदा ने हर एक जाने हर एक माँ प्यारे प्यारे नबी हमारे हमको अपनी जान से प्यारे वो आए तो हुआ सवेरा दूर हुआ दुनिया का अंधेरा खालिक का पैगाम सुनाया सीधा रास्ता हमको दिखाया उनकी उनको सबसे अच्छा मानो सच्चा उनको सबसे सच्चा मानो जानो उनको सबसे सच्चा जानो उनकी हर बातों को मानो सब बातों को उनकी सब बातों को मानो प्यारे नबी ने बताया हमको बताया प्यारे नबी ने हमको बताया एक खुदा है खालिक अपना दोबारा पढ़ो गलत हो गया ये नहीं जहाँ से गलत हुआ है ना उसकी जोड़ कर लेना अच्छा प्यारे प्यारे नबी हमारे हमको अपनी जान से प्यारे वो है तो हुआ सवेरा दूर हुआ दुनिया का अंधेरा खालिक का पैगाम सुनाया सीधा रास्ता हमको दिखाया उन को उनको उनको सबसे इधर आओ उनको सबसे अच्छा जानो उनको सबसे सच्चा जानो उनकी हर बातों को मानो ये हार लिखा हुआ है उनकी सब बातों को मानो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी ने हमको बताया, हमको बताया एक खालिक खुदा, एक खुदा है खालिक अपना। चलो बैठ करो। पहले ना ये पेंसिल रेजर इसमें डालो। किताबें भी डालो बैग में। अब आपको छुट्टी, अब साथ आए, साथ आओ, साथ बुक्स लेके आओ, मुझे सुना दो सबक। अब साथ की बारी, तुम सुनाओ सबक। साथ को बुलाओ। सबसे पहले मेरी बारी थी अंडरलाइन में। पापा ले गए होंगे, मोबाइल नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया। इतनी टेंशन ना लिया करो फजूल फजूल बातों की। हाँ जी, चल लेके आओ किताब। ओ छोड़, नहीं वो सुबह मोटरसाइकिल निकालने के लिए वो उठाई थी ना चारपाई, तो हो सकता है उन्होंने कहीं रखा होगा। मैं तो किचन में थी ना, उन्होंने उठाई थी फिर पानी लेने के लिए। हाँ शायद चारपाई पे, तू वहाँ पे देख जा रहे थे रात को, देख रहे थे ना, देख रहे थे ना, मैं मुझे लग रहा है। जरा ऊपर चढ़ी जब मैं ला फोन ला निकाला लेके आओ उसका भी सामान। बिल्कुल भी नहीं, पीछे से भी होमवर्क कर लिए। इस पारा साथ ही ले आए, उस पारा तो उन्होंने नहीं रखना था। अच्छा किस किस किताब का मिला था होमवर्क? टेबल तो आते हैं ना, टेबल सुना दो, टेबल सुना दो सेवन का। सेवन का टेबल मैं सुनाऊं? हाँ। ट्वेल्व नहीं है, 21 है। 21। सेवन फोर दा 28। सेवन फाइव दा 23। 25। सेवन सिक्स दा 42। सेवन सेवन दा 49। सेवन एट दा 56। सेवन सेवन नाइन दा 63। सेवन टेन दा 70। सेवन इलेवन दा 77। सेवन ट्वेल्व दा 80। अच्छा टीचर वो 12 तक करवाती है। अच्छा 61 दा 6 वैसे तो सब दा 12 63 दा 18 3 64 दा 24 65 दा 30 सर इधर 6 आ गया तो फिर मैंने कहा 12 तक सारों का लिखा। 66 दा 36 60 दा 36 67 दा 43 42 68 दा 48 68 दा 69 दा 54 69 दा 54 610 दा 60 611 दा 66
6, 12, 67 बस आई मैं ये भी सुनाया तो है नहीं आई हाय मैं ये भी सुनाऊंगी 108 इसको पढ़ते हैं 108 और ये क्वेश्चन किए हुए हैं आगे आगे क्वेश्चन किए हुए हैं ये तो मत ये है 6 के फैक्टर और ये है 38 के फैक्टर और ये है 40 के फैक्टर ठीक है साध मैथ का मैं पूरा टेबल सुनाता हूँ एक मिनट साध को क्या मिला मैं पूरा टेबल सुनाता हूँ जहाँ तक टेबल आ रहे हैं साथ मुझे कंप्यूटर सुनाओ कंप्यूटर वाला हाँ हाँ आज सुना दो आज कल हम यहाँ से शुरू होता है हाँ पीछे से शुरू होता है और ये दूसरा पेज है यहाँ से शुरू होता है कंप्यूटर के चार गुण ये नहीं है ये पैराग्राफ नहीं है ये छोड़ देना यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ यहाँ कर लगाना है फिर यहाँ से स्टार्ट कर लेना अच्छा चलो सुनाओ जबानी ना जबानी आता है 24 चलो जबानी सुनाओ कंप्यूटर दौरे जदीद की एक अहम ईजाद है ये इसे तरक्की याफ्ता और ये मुझे पकड़ा दो मैं अपनी तरफ खोल लेती ये इस तरक्की याफ्ता वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है कंप्यूटर की ईजाद से हमारे बहुत से मिसाइल हल हो गए हैं कंप्यूटर की ईजाद से पहले जो काम घंटों में होते थे वो अब मिनटों में हो जाते हैं कंप्यूटर ने ज़िंदगी के तमाम शोबों के साथ तालीमी मैदान में बहुत तरक्की की है आजकल इंटरनेट के ज़रिए घर पर बैठे लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करते हैं उनकी तस्वीरें देखते हैं ठीक है तस्वीरें देखते हैं और जहां कंप्यूटर के फ़ायदे हैं वहां इसके नुकसान भी हैं कंप्यूटर के लगातार इस्तेमाल से आंखें खराब होने का खतरा बढ़ जाता है पता चला ना आपको आंखें खराब होने का खतरा बढ़ जाता है और आपकी जो है ना आईज ब्लिंकिंग बढ़ गई है जो ऐसे ऐसे आंखें करते हो ज़्यादा देखने से होता है अब आपने कम देखा करना वैसे पहले से कम देखते हो तो अब कम हो गई है ना पहले बहुत ज़्यादा हो गई थी छुट्टियों में साइड पे आओ ऐसे ना करो साइड पे आओ चलो अब ये तो उर्दू ग्रामर हो गई और टेबल सेवन का सुनाओ सेवन का टेबल सुनाओ 7, 1, 7, 7, 2, 14, 7, 3, 21, 7, 4, 23, 7, 5, 43, 7, 6, 49, 7, 8, 56, 7, 9, 63, 7, 10, 70 गुड और 8 का 8 का मिला नहीं ऐड करनी है 6 9 का मिला 9 का हां 9 का मिला 9, 1, 9, 9, 2, 27, 9, 2, 18 9, 3, 27 9, 4, 36 9, 5, 45 9, 6, 54 9, 7, 63 हां जी 9, 7, 63, 9, 8, 52, 63 से तो आगे होगा ना 72, 9, 8,
72 उसका ही था ना आगे 99 99 द 81 19 द 90 हां अब 6 का 6 का 6 1 द 6 6 2 द 12 6 3 द 18 6 4 द 24 6 5 द 30 6 6 द 6 6 द 30 36 हां 6 7 द 42 6 8 द 48 6 9 द 54 6 10 द 60 हां सही है और आप कौन सा सुनाओगी 5 तक 1 हाँ टू से शुरू करो हाँ टू से शुरू करो साथ आप उतनी देर में ना आप अपना सबक याद कर लो टू से फाइव तक आप कुछ नहीं चाहिए निकालो तो सही किताबें मैंने निकाली निकालो ये कापियां रख लो आपकी कापियां मिक्स हो जाएंगी आपकी कापियां मिक्स ना हो जाएं मनाहल से आपकी कापियां ना मिक्स हो जाएं अपनी कापियां अलग रखो और चेक करो सबका होमवर्क हो गया टू से फाइव तक हाँ टू का सुनाओ टू वन डा टू 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 डा फोर टू थ्री डा सिक्स टू फोर डा एट टू फाइव डा टेन टू सिक्स डा ट्वेल्व टू सेवन डा फोर्टीन डा सिक्सटीन टू नाइन डा एटीन टू टेन डा ट्वेंटी थ्री वन डा थ्री थ्री टू डा सिक्स थ्री थ्री डा नाइन थ्री फोर डा ट्वेल्व थ्री फाइव डा फिफ्टीन थ्री सिक्स डा एटीन थ्री सेवन डा ट्वेंटी वन थ्री एट थ्री एट डा थ्री एट डा ट्वेंटी थ्री नाइन डा ट्वेंटी सेवन थ्री टेन डा थर्टी वेरी गुड फोर वन डा फोर फोर टू डा एट फोर थ्री डा ट्वेल्व फोर फोर डा सिक्सटीन फोर फाइव डा ट्वेंटी फोर फाइव डा ट्वेंटी सेवन फोर सिक्स डा ट्वेंटी फोर फोर सेवन डा ट्वेंटी एट फोर नाइन डा फोर एट डा फोर एट डा ट्वेंटी फोर फोर नाइन डा सही है फोर नाइन डा फोर नाइन डा थर्टी टू फोर टेन डा फोर्टी फोर नाइन डा थर्टी सिक्स फोर नाइन डा फोर्टी अच्छा फाइव का सुनाओ फाइव वन चादर सारी इकट्ठी कर दी आराम से नहीं बैठ यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ फाइव का दोबारा सुनाओ आवाज नहीं आई फाइव वन डा फाइव फाइव टू डा सिक्स फाइव वन डा फाइव फाइव वन डा फाइव फाइव टू डा टेन फाइव थ्री डा फिफ्टीन फाइव फोर डा ट्वेंटी फाइव फाइव डा ट्वेंटी फाइव 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 ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के आगे फाइव 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 डा थर्टी हाँ फाइव सिक्स डा थर्टी फाइव सिक्स डा थर्टी थर्टी फाइव सेवन डा थर्टी फाइव फाइव एट डा ये चैनल में कट कर दोगी फोर्टी फोर्टी फाइव एट डा फोर्टी फाइव नाइन डा फोर्टी फाइव फाइव टेन डा फिफ्टी हाँ शायद ये क्या है ये यहाँ से सुनाना है इतना छोटा क्वेश्चन एक ही है हाँ पढ़ो रेड लाल से क्या मुराद है वो जरा जिनका इस्तेमाल चलो मेरी तरफ करो हाँ 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 करो याद करो ऊंची आवाज से पढ़ो वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात इत्तलात या मालूमात का तबादला करते हैं ज़राए इब्लाग कहलाते हैं अब उंगली रख के ऐसे रख के ना हाथ रख के पढ़ो फिर याद हो जाएगा वो ज़राए जिन मैं ऐसे करके सुना देता हूँ नहीं अभी याद करो ना पहले वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात इत्तलात या मालूमात का तबादला करते हैं ज़राए इब्लाग कहलाते हैं वो ज़राए ज़बानी पढ़ के देखो जब आ जाएगा फिर सुनाना मुझे वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करते हुए पैगामात इत्तलात या मालूमात का तबादला करते हैं ज़राए इब्लाग कहलाते हैं
चलो मैं उतनी देर में ना नाहिल का नूरानी कायदा सुन लेती हूँ। नाहिल सुनाओ। नूरानी चलो सुनाती हूँ, चलो सुनाती हूँ। ये नहीं है नूरानी कायदा, तो उधर पड़ा है। ये आ जाएगा ये वाला। नहीं ये नहीं, ये वाला ये नहीं, यहाँ से सुना। बेदबर अलिबा। नहीं यहाँ से सुना देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा चलो सुना। राली के जे जाल जबर जावा पे जूजा छोटी जे जी जाजूजी, ऐसे नहीं कहना जाजूजी। तो हाली जर तो आता वापस तू ता छोटी जे ती ता तू ती जा वापस तू जा छोटी जाली जबर जा वापस तू जा छोटी जे जी जाजूजी। फाली जर फाफा वापस फू फा छोटी जे पी फाफू पी। अच्छी तरह करो। हवा पेशू हा जबर अली खा, हा जबर अली खा, हवा पेशू हा छोटी जेरी ताली जरता या हुई, हा हुई या ली जरी या यावा पेशू या छोटी जेरी या युई। हम ताली जर हा हम जावा पेशू हम जा छोटी जेरी हम हा आ उई। खाली जर खा खावा पेशू खा जी मली जर जा जी वा पेजू जी छोटी जे जी जा जू जी। दाल जर दा दाल वापस दू दाल छोटी जेड दी दा दू दी। दाल जर दा दाल वापस दू दाल छोटी जेड जी जा जू जी। सीनल जर सा सीन वापस सू सीन छोटी जेड सी सा सू सी। की बात से पढ़ो। सीनल जर सा सीन वापस सू सीन छोटी जेड सी सा सू सी। स्वाद वापस सू सा छोटी जेड सी स्वाद जर सा स्वाद वापस सू सा छोटी जेड सी सा सू सी। स्वाद वापस सू सा छोटी जेड सी दाल वापिस दू दाल छोटी जेर दी दा दू दी दऊ दई दऊ दई। जाल 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 जबर वाजाओ जाल छोटी जेर जी जाजू जी। नहीं आप इसे गलत बोले हो, ये नहीं आपको आता, ये दोबारा ये करना पड़ेगा, अभी ये नहीं आता। अच्छा शायद आप सुनाओ। अच्छा साथ सुनाओ। ज़राए प्लांट से क्या मुराद है? वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करके जिनको इस्तेमाल करते हुए वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए पैगामात इतलात या मालूमात का तबादला करते हैं ज़राए ब्लॉग कहलाते हैं। सही है, बस इतना छोटा सा है। नया चैप्टर स्टार्ट है ना, रीडिंग में भी मम्मा जी तब छुट्टी हो रही है। अच्छा। इसके बाद ये सुनाएंगे ये सारा। हाँ ये एक लाइन, ये सारा और ये सारा साथ। तुम दूसरी किताब याद करो, मैं इसका सुन लूंगा। ये सारी ठीक है और बस। यस क्या आता है कर लो ये वाला, अभी कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं ये वाला क्वेश्चन कर लो, मैं सुन लूंगी। अलिफ अलिफ बा ता सा दी हा हा दाल दाल दाल। और दाल नहीं होता ये तो दाल दाल। ये यही वाला इसका टेस्ट ले लिए, लेकिन बात बात तो आई एम गोइंग फे कप कफ लाम मीम नून वाओ है। ये ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये कर लो, ये मैं सुनती हूं। व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? व्हाट इज द बैलेंस डाइट? अ डाइट दैट कंटेनियस 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 होता है कंटेनियस। आई एन एस
डेट कंटेन्स डिफरेंट किंग्स ऑफ काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ फूड इन प्रॉपर इन प्रॉपर क्वांटिटीज टू फुलफिल द नीड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड बैलेंस्ड डाइट। और ये ना क्वांटिटी है और इसमें ना आपने एन नहीं लिखा, देखो quantities. ये हाँ क्वांटिटी होता है मिकदार, यानी के जितनी चाहिए उतनी मिकदार, प्रॉपर क्वांटिटीज। इसके ऊपर लिख रहे हैं हाँ, अब वहाँ लिखो ताकि पता चले आपको कि यहाँ पे एन भी आना है। और उर्दू निकालो और उर्दू की रीडिंग सुना दो और इंग्लिश की रीडिंग सुना दो, एक एक वो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। ना है शोर ना करो, भाई आप पढ़ रहा है ना फिर भूलेगा। साथ इसकी रीडिंग करवाते हैं साथ इसकी। ये मिली है सिक लीव मुझे ना इधर तक याद है, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे I shall be very thankful to you. नहीं शुरू से टू द प्रिंसिपल ये ना काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू सही मारूंगी मैं अब यहाँ से लेकर अब यार कैन नॉट गो टू स्कूल तक सुनाओ तो यहाँ पूरा सुना देता हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे आई शैल बी वेरी आराम से क्या हो गया शोर क्यों करती है पूरा सुनाओ मना है शोर ना करो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता अच्छा इधर आके दोबारा सुनाओ, इतनी तुम्हारी आवाज ही नहीं आई। यस हाँ सुनाओ हाँ तो यस गो हाँ जी हाँ जी ऊंची आवाज ये क्या लिखा है ओबीडिएंटली स्पेलिंग भी करने होते हैं इसके ओबीडिएंटली यहाँ टू द ऊंची आवाज टू इधर To the principal, Bright Future School, Bhavalpur, I beg to say that I am ill, so I cannot come to school. Kindly grant me leave for today. For today, I shall be very thankful to you. हाँ. You are a
अबेडली ओबीडिएंटली ओबीडिएंटली स्पेलिंग सुनाओ स्पेलिंग ओ बी ई डी डी ओ बी ई डी आई ई एन टी एल वाई ओबीडिएंटली ओबीडिएंटली चलो ठीक है। अच्छा वो साइंस की रीडिंग करते हैं, मुझे इसकी रीडिंग तो सुनाओ कहाँ है। हाँ जी करते हैं, बहुत मरतबा किया इसका। कहाँ इसका तीसरा चैप्टर शुरू हो गया, दिखाओ कहाँ से। इसका टेस्ट हुआ है ना, चलो इसी में से मैं सुनती हूँ। इसका टेस्ट हुआ है, इसका ये पांच सवालों का ही हुआ है। इस चैप्टर में से ना मैं वो रीडिंग सुनती हूँ, यहाँ से सुनाओ। यस वेयरिंग अ मास्क, हाउ डज अ मास्क प्रोटेक्ट अस फ्रॉम COVID-19, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग अ मास्क। ये दो क्वेश्चन जो है इनका ये आंसर है, अगर कोई पूछे तो, कि जो COVID-19 है, जो कोरोना है, उससे हमें मास्क कैसे हमारी हिफाजत करता है, यानी मास्क पहन ले तो कैसे हम कोरोना से बच जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक मास्क जब हम पहन लेते हैं तो उसके हमें क्या क्या फ़ायदे हो जाते हैं। मास्क इज अ मास्क इज अ प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन योर नोज माउथ एंड द एनवायरनमेंट। इट डज नॉट अलो जर्म्स टू इंटर फ्रॉम एनवायरनमेंट इनटू द एनवायरनमेंट इनटू द बॉडी थ्रू द नोज एंड माउथ। डू यू नो द प्रॉपर वे टू वेयर द मास्क। Do not use a used mask. ये क्या लिखा हुआ है कि आप कोई पहना हुआ मास्क ना इस्तेमाल करें। Dispose of the used mask in a proper way। हाँ, यानी कि जो उतारा होता है ना मास्क, उसको ना वो बास्केट वगैरह में फेंक दे। ये चौथा सवाल। हाँ, क्वेश्चन भी है और वो भी है ना। इट इज अ रीडिंग ऑफ ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन। यस हाँ, वैक्सीनेशन पढ़ो। डू यू नो कहाँ है ये वैक्सीनेशन। डू यू नो अबाउट वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इट इज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच द वीक ऑफ किल्ड जर्म्स ऑफ अ डिजीज आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। साध आप कच्ची पेंसिल से निशान लगाया करो, ये क्या किया हुआ है। मैं से किताब नहीं अच्छी लगती, कितनी बार मैंने समझाया है। द बॉडी प्रोड्यूसेस। अब ले ली है ना आज। हाँ जी, तो आज के बाद मुझे ना नजर आया कि अच्छा जब भी आपकी पेंसिल खत्म हो ले लिया करो। आप पेंसिल लिखने लग गए हो तो पेंसिल लेते ही नहीं। प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट के आगे नुक्ता है अगेंस्ट द वीक ऑफ और द वीक और किल्ड जर्म्स। These antibodies remain in body to fight the germs. Government of Pakistan has launched a campaign
कैंपेंज टू एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो इज अ डेंजरस डिजीज विच कॉजेज लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी पोलियो ड्रॉप्स शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 years years हैव यू बीन गिवन पोलियो ड्रॉप्स ये भी नहीं अब वो इंग्लिश का इसके साथ कौन सी बुक है इसकी रीडिंग सुनाओ उर्दू है रीडिंग इसके साथ मैथ एक नहीं ये इसकी रीडिंग सुनाओ ना माशाल्लाह इसकी तो बहुत ही पीछे है इसकी नया ये ना आखिरी पीरियड होता है माशाल्लाह इसलिए छुट्टी हो गई थी टीचर ने बस दूसरे टीचर ने अगला चैप्टर करा दिया है और डायरी लिखवाई है कि अगले चैप्टर की इस चैप्टर की रीडिंग नहीं करवाई बस जैसे छुट्टी हुई है ना टीचर ने कहा कि क्वेश्चन दे दिया नए चैप्टर का हाँ चलो अब इसकी मुझे रीडिंग सुनाओ कल को पढ़ोगे स्कूल में हम कौन सा ये हाँ हम रोज मर्रा जिंदगी में अपने ख्यालात मालूमात और इत्तलात का तबादला एक दूसरे से करते हैं इस तबादले के लिए हम किसी न किसी जराए का इस्तेमाल करते हैं जैसे दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम कोई ज़बान बोलते और लिखते हैं पाकिस्तान की अक्सरियत रबते और अबलाग के लिए उर्दू ज़बान इस्तेमाल करती है इसी तरह दुनिया भर की मालूमात हम टेलीविज़न इंटरनेट या किताबों से हासिल करते हैं ज़बान टेलीविज़न इंटरनेट और किताब वगैरह इब्लाग के ज़राए हैं अच्छा तो एक दिन में कितनी रीडिंग करवा लेते हैं पूरे सबक की या इससे भी ज़्यादा दो पैराग्राफ जितनी हाँ जी इतनी अच्छा तो ये एक दिन में फिर एक पेज करवा देंगे ना ये वाला हाँ ये पढ़ लो आज पढ़ी नहीं है दीदी हाँ जराए ब्लॉग वो जराए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात इत्तलात या मालूमात का तबादला करते हैं जराए ब्लॉग इंग्लिश पढ़ी कहलाते हैं कदीम दौर से लेकर दौरे जदीद तक आप तक बहुत से ज़राए इब्लाग से हमें मालूमात हासिल होती रही हैं आइए इब्लाग के चंद ज़राए के बारे में जानते हैं फ़नून लतीफ़ा आर्ट पैगाम रसानी का इंतहाई कदीम और अव्वलीन ज़राया है फ़नूने लतीफ़ा का आगाज़ इस वक्त हुआ जब लोग गारों में रहते थे और लिखना पढ़ना नहीं जानते थे इस वक्त लोग अपने एहसासात ख्यालात और तस्वीरात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तस्वीर का इस्तेमाल किया करते थे वक्त गुजरने के साथ फ़नूने लतीफ़ा ने तरक्की की और नावल
नावल, नगारी, मौसीकी, शायरी, थेड़ी, थेड़, मौसमा, साजी और मुसव्विरी, मुजस्मा, साजी और मुसव्वरी भी फनून लतीफ़ा में शामिल हो गई। चलो अब इसको अब उर्दू निकाल। उर्दू ए हाँ उर्दू वाली इधर ही लिया इसका ये वाला पढ़ा और हाँ, हाँ। और काफ़ी रहते हैं अम्मा जी और इसका सुना दिया मैंने और ये क्या है ये है इस्लामियत इसका ये लिखना है ये ज़बानी याद मुझे आता है सुना छोड़ लो मैं इधर से सुनना अच्छी तरह आता है अच्छी तरह है ना वो बाद में पता चले भी नहीं आता दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं अल्लाह ताला ने बेहतरीन शक्ल व सूरत पर पैदा किया है इंसानों को अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए इबादत के लिए हाँ और दुनिया की हर चीज़ पैदा की गई किसके लिए इंसानों के लिए हकूकल्ला में क्या शामिल है हकूकल्ला में मैं ऑप्शन बताऊँ हाँ जी जिक्र करना बातें करना खेलना कूदना सोना जागना जिक्र करना और अल्लाह ताला ने बेहतरीन शक्ल व सूरत पर किसको पैदा किया इंसानों को अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को किस लिए पैदा किया इबादत के लिए अच्छा ये तो वही दोबारा फिर सुना रहे हो ना मैंने कहा कि दूसरा है आप दोनों पेज बताए थे ना तो ये तो वही है वही ना एक क्लास और एक होमवर्क हाँ अब और कोई और नहीं बस अब पढ़ती है उर्दू अलिफ की रीडिंग सुन कर यस पढ़ लिया मैंने अम्मा जी और वो नहीं कोई मजमून वगैरह मिलता ये क्यों लेके गए हुए हो तू वाली किसी ने डाल दी दी थी नहीं मैंने वो ग्रामर वगैरह के लिए दी थी कि जब तक नई नहीं लेते तो इससे ग्रामर डाल दिया उर्दू ए करते हैं जिन्हें उर्दू ए पे खोलते हैं ये देखिए उर्दू ए तो इसमें कल पता करवाएंगे आपकी आ गई है बुक या नहीं उर्दू वाली की निकाल उर्दू वाली दो दो किताबें गुम हो गई है इस्लामियत उर्दू आपस में अच्छी तो इसकी इंग्लिश का कौन सा सबक मिला हुआ है इंग्लिश है इंग्लिश का रीडिंग कौन सी है कहाँ पे सबक है इसकी रीडिंग है ये है 27-28 पे नंबर याद करके आने डायरी पे देख लेते शायद कुछ और लिखा हो ये तो आगे पढ़ लिया है तो फिर अभी 27-28 तो पीछे है टीचर पहले ये लिखवाती है अच्छा उसके बाद याद करवाती है हमने बुक की फिर की है अच्छा ये फिर ये वर्ड मीनिंग मिले यस टीचर ने ये क्लास वर्क की होमवर्क दिया है क्लास वर्क में टीचर ने ये करवाया क्या ये उसमें से ही देखो क्लास और क्या था ये तो नहीं अभी हमने इंग्लिश ए का क्या पढ़ा वो साइंस पढ़ ली थी इंग्लिश ए पढ़ी नहीं इसका मतलब हाँ ये देखो तो ये तो नहीं है ये देखो जुलाई कम्स आफ्टर जून जुलाई कम्स आफ्टर जून दो दो बार लिखा हुआ अच्छा पंक्चुएशन है ये है ये है चलो ये पढ़ो ये भी नहीं है कुछ और ही लिखो है देख दोबारा देखो वो है भी कि इसकी कॉपी नहीं है इंग्लिश मैथ मशरती लूँ साइंस यही है इसका क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था इंग्लिश इंग्लिश बी का ये था इंग्लिश ए का पीछे है अरे ये किसने काट दिया हाँ वैसे ये पेज खराब आ गए पता नहीं ये रहा इंग्लिश ए का इतना बड़ा सवाल है याद कर लो मैं याद अभी कैसे करूँ चलो कोई नहीं कर लो आराम से मैं सुन लूँगी आप कर लो मैं आराम से सुन लूँगी फ्रेंच फ्राइज इज माई फेवरेट फूड टुडे आई विल टेल आई शैल टेल यू टीचर ने कहा विल है अच्छा विल ही पढ़ना है पहले तो वह शैल और विल आई विल
आई विल टेल यू हाउ टू मेक इट आई विल टेल यू हाउ टू मेक इट I will tell you how to make ये वो जो चिप्स बनाते हैं उसका लिखा हुआ है कि how to make. मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाते हैं. आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं. वाश पोटैटोज, यानी कि आलू को धो लें एंड देन क्या लिखा हुआ है आउट देम कट सी लिखा हुआ है और इतना जुड़ा हुआ है जैसे आउट होता है. कट देम इनटू स्लाइसेस और फिर उसके स्लाइस काट लें. नो फ्राइज देम इनटू परी हीटेड ऑयल और इसमें जो पहले से गर्म किया हुआ तेल हो उसमें इसको फ्राई कर लें. फ्राई देम फॉर 15-20 मिनट्स 15-20 मिनट तक इसको फ्राई करें. देन ड्रेनिंग देम और फिर उनको उसमें से ऑयल में से निकाल लें. एंड सम साल्ट सर्व विद केचप और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दें और केचप के साथ पेश करें. मजे मजे से खाएं. वाओ देख लो आज आपको फ्रेंच फ्राइज बनाने का तरीका ना वो याद करवा रही. फ्रेंच फ्राइज आप बना देती हैं? हाँ मैं तो बना देती हूँ. कल बना दूंगी देख के दिल कर पड़ा. बड़ा ललचाया दिल ललचाया तो कल को फिर जब स्कूल से आओगे ना बना के रख लूंगी. दिल ललचाया स्कूल ना आया. चलो अब आप इसकी इसको पढ़ लो 2-3 बार पढ़ो तो फिर आपको याद हो जाएगा. उर्दू में पढ़ सकते हैं? नहीं उर्दू में तो वैसे ही देखो जैसे पहले आलू ले लिए उनको छीन लिया वो तो पता है. इंग्लिश में बताना मुश्किल होता है क्योंकि ये अपनी लैंग्वेज नहीं है. tell you how to make it. चलो साथ हम मुझे ना आप आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ सुनाओ. आयतल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहू वल हय्युल कय्यूम ला तखुज़ू सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज मन ज़ल लज़ी यश्फ़ऊ इंदहु ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. جزاك الله. تمہیں تو تلاوت ہی کر دی. اب درود شریف سناؤ. بسم اللہ پڑھ کے. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل ہی نہیں وعلى آل محمد. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अब वो सुनाओ कुलु बल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ के सुनाया करो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. इन आयतें आती है? यस. चलो बस इन आयतैनकल कौसर फसल्ली रब्बिका वन्हर इन शानिअका हुवल अबतर. तो जनाब व्यूअर्स मुझे वाश टाइम पूरा करना था तो इसलिए मैंने एक घंटे की वीडियो बनाई है. तो आप प्लीज़ इसको वाच करें, पूरा वाच करें, दोबारा से वाच कर लें. नहीं भी वाच करना तो लगा के रख दें ताकि पूरी की पूरी जो है वो चल जाए और मुझे वाच टाइम एक घंटे का मिल जाए. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पूरी वीडियो देखें उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे लिए दुआ करें. इंशाल्लाह ये भी मोनिटाइज हो जाएगा. मेहनत करते रहें तो फिर इंशाल्लाह हल मिल ही जाता है. अर्रहमान में आपसे बाद में सुनूंगी और उसकी फिर अलग से फिर वीडियो बनाएंगे. ठीक है? यस.
और मेरे से वो जो अभी साथ से सुनी है ना, चलो सुना दो, इन्ना आते सुना दो, इन्ना आते बिस्मिल्लाह तो पढ़ी नहीं आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर।